हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है DSSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ग्रुप डी की वैकेंसी आई है। वेरियस टाइप के पोस्ट रहेंगे, इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इलिजिबल होंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इसका डिटेल जानने के लिए तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, और अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो मैंने अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से पोस्ट के रिगार्डिंग डिटेल में डिस्कशन कर लेते। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, DSSSB में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 142 यानी 142 सीटें होने वाली है। अब आपका इसमें 7 तरह का पोस्ट है। चलिए देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना सीट है और क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। पहला पद जो है प्यून ऑर्डरली या डाक प्यून, इसके लिए 99 यानी 99 सीट है और 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट रहेगा चौकीदार का, 13 पोस्ट है और 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है आपका स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी का, आपका 12 सीट है और 10वीं पास जो भी कैंडिडेट है सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। चौथा पोस्ट है ड्राइवर या फिर स्टाफ कार ड्राइवर का, 12 आपका सीट है, इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ जो लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिफ्थ पोस्ट है हमारा प्रोसेस सर्वर का, 3 पोस्ट है, इसके लिए भी सेम ही है, 10th पास आउट प्लस लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 पोस्ट है आपका जो बुक बाइंडर का, बुक बाइंडिंग का काम होता है ना, उसके लिए 1 सीट है, 10th पास आउट कैंडिडेट होने चाहिए, साथ ही साथ बुक बाइंडिंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7वीं पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का, इसके लिए आपका 2 सीट है और 12th पास आउट कैंडिडेट, साथ ही साथ डिप्लोमा या फिर आप डिप्लोमा किस सब्जेक्ट से जानना चाहते हो तो वो आपको नोटिफिकेशन में पढ़ लेना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अप्लाई का तिथि क्या होने वाला है। 20 मार्च से आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। इसको अप्लाई करने का अंतिम तिथि रहेगा 18 अप्रैल, सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 18th of April। फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, जाइए जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। अब अप्लाई करते टाइम कुछ फी लिया जाता है, आइए बता देती हूँ। जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज़ यानी 100 रुपया लिया जाता है, और जो भी कैंडिडेट दूसरे होंगे उनसे कोई भी फी नहीं लिया जाएगा। अब अगर बात करूं कि एज की लिमिट क्या रहेगी, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं किस तिथि के अनुसार एज की गणना की जाएगी। एज ऑन 18th of April 2024 मतलब 18 अप्रैल 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 37 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि अपर एज में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, ओबीसी को छूट मिलती है 3 वर्ष की और SC ST को 5 वर्ष की। ये तो आपका बेसिक जो इसका डिटेल था वो मैंने बताया। अब हम लोग जान लेते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। देखिए फ्रेंड्स, टोटल 3 स्टेज है। पहले स्टेज पर क्या है आपका, ऑनलाइन CBT यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। उसके बाद आपका ड्राइविंग या स्किल टेस्ट, पोस्ट वाइज डिपेंड करता है। और देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ये 3 पोस्ट जैसे प्यून हो गया, चौकीदार हो गया, स्वीपर हो गया, इसके लिए आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें सफाई करके आपको दिखाना होगा, ड्राइवर के लिए ड्राइविंग चाहिए, बुक बाइंडर के लिए बुक बाइंडिंग, आई होप आप समझ गए होंगे। और उसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा 15 नंबर के लिए, फिर आगे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एट फर्स्ट स्टेज जो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा। पेपर में होंगे आपके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा। समय रहेगा 2 घंटे का और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4, मतलब कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब हम लोग विषय वाइज बात कर लेते हैं।
इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी से 25 क्वेश्चंस होंगे, जीके एंड करेंट अफेयर्स से 25 क्वेश्चंस होंगे और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस होंगे। सो दिस इज ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। इस एग्जाम को जब आप क्वालिफाई करोगे तो स्किल टेस्ट होगा, देन क्या होगा आपका इंटरव्यू, उसके बाद हम लोग ज्वाइनिंग लेटर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि एग्जाम का मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होगा। देखिए 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें कि जनरल कैंडिडेट को कम से कम 50% यानी 50 नंबर लाना है, रिजर्व कैटेगरी वालों को कम से कम 45% यानी 45 नंबर लाना है, ठीक है। और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी, दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसमें होगा। तो क्या सैलरी मिलेगा, आइए मैं आपको बता देती हूँ। सैलरी इसकी अच्छी खासी है, 25,500 से स्टार्टिंग है एंड आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस आपकी सैलरी हो जाती है 81,100, मतलब कि 81,100 रुपए की सैलरी आपको आफ्टर इंक्रीमेंट मिलेगी। अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, आपने देख लिया कि बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अब भी कोई डाउट हो, मन में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप अपना क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हो, वहां पर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।